हमने एनसीआर की तरफ से 60,000 बंदों ने इकट्ठे होकर करीब 61,000 बंदों ने इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट डाली है। उस रिट के अंदर हमने ये मांग रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की जजमेंट है 4/10/2016 की, जो आरसी गुप्ता की जजमेंट है, उस आरसी गुप्ता की 4/10/16 की जजमेंट को हमारे पूरे देश के अंदर सभी एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड सभी एम्प्लॉई के ऊपर लागू किया जाए। सरकार ने उस जजमेंट को तोड़ मरोड़ के सितंबर 2014 से पहले के नॉन एग्जम्प्टेड रिटायर्ड एम्प्लॉइज के ऊपर वो जजमेंट लागू करी है सितंबर 2014 से पहले के ऊपर। लेकिन उसके अंदर भी उसने दो टुकड़े जजमेंट के अंदर भी उसने दो टुकड़े कर दिए हैं, एग्जम्प्टेड एंड नॉन एग्जम्प्टेड। नॉन एग्जम्प्टेड के ऊपर ये सरकार उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट की 4/10/2016 की आरसी गुप्ता की जजमेंट को लागू नहीं कर रही है। इसके बाबत एग्जम्प्टेड एंड नॉन एग्जम्प्टेड के लाखों कर्मचारी आज सड़कों के ऊपर हैं, जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर जाके केस कर रहे हैं। 507 केसेस केरल हाई कोर्ट ने 507 केसेस केरल हाई कोर्ट ने 12/10/2018 को एम्प्लॉइज के हक में जजमेंट दे दिया है। 507 केसेस, एक दो केस की बात नहीं मैं कर रहा, 507 के जिसके अंदर एग्जम्प्टेड भी है नॉन एग्जम्प्टेड भी है, केरल हाई कोर्ट ने उसके एम्प्लॉइज के हक में जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट की 4/10/16 की जजमेंट को ध्यान में देते हुए। ये सरकार के ऊपर ये ईपीएफओ पर बहुत बड़ा थप्पड़ है। इस केरल की जजमेंट के अलावा राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है, हिमाचल हाई कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है, लेकिन सरकार उस बात को मानने को तैयार नहीं है। हम सभी ईपीएस पेंशनधारी देश के अंदर अलग अलग कोने से आए हुए हैं, यहाँ पे आज आए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि कोश्यारी कमेटी को जल्द से जल्द लागू किया जाए और 3,000 मिनिमम पेंशन और उसके ऊपर डीए और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर 9,000 पेंशन और उसके ऊपर डीए दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है आरसी गुप्ता की जजमेंट है पूरी एग्जम्प्टेड एंड नॉन एग्जम्प्टेड के ऊपर पूरी लागू करी जाए। हम जहां भी हैं, हम अगर ये मोदी सरकार हमारे को सपोर्ट नहीं करेगी, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन आया 5 स्टेटों के इलेक्शन के अंदर हम लोगों ने इसको अगेंस्ट में वोट दिया है। जहां जहां हमारी चाहे एक वोट है, एक शहर के अंदर, एक गांव के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर, अगर एक भी वोट है हमने उसके खिलाफ भी वोट दिया है। और हमारा ये प्रण है जब तक ये हमारी मांग मानी नहीं जाएगी, हम इस मोदी सरकार को, हम इस बीजेपी सरकार को जहाँ कहीं भी वोट होगी इसके खिलाफ वोट डालेंगे। बस you